हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, आर्टिकल्स जिसमें फोकस्ड है मेन ए और एन। अभी तक हमने ये जैसे बेसिक जो हम लोग पढ़ाई करते थे तब थोड़ा सा ऐसा होता था कि वॉवल्स के आगे एन लगता है और इस तरीके कॉन्सोनेंट के आगे ए लगता है, इस तरीके से हम बच्चों को सिखाते थे और कुछ एक्सेप्शंस होते थे तो वो रट लेते थे हम लोग या इस तरीके से। बट अभी जो पूरा कॉन्सेप्ट आ गया है वो फोनिक साउंड पे आ गया है, ठीक है, जो उसका साउंड है उस पे क्या निकल रहा है तो उस पे आपको फोकस करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप देख सकते हो बच्चे ने कितनी मिस्टेक्स करी हैं और इस तरीके के कॉन्सेप्ट से आप एक बार में बच्चे को अच्छे से सिखा पाओगे और हमेशा अच्छे से, वो कभी गलत नहीं करेगा। तो आइए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है पहले ये देखिए, ए ए इज़ यूज बिफोर वर्ड दैट बिगिन्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ए हमेशा उस वर्ड के आगे आता है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड आता है, और कॉन्सोनेंट हमारे कहाँ से साउंड कहाँ से कहाँ तक होते हैं, का से लेके हा तक, यानी का ख ग ग अंग च छ ज, ये जो होता है का से लेके हा तक जितने भी वर्ड आएगा उसमें हम लगाएंगे ए। जबकि वॉवल साउंड में लगेगा एन, और वॉवल हमारे कहाँ से शुरू होंगे ये देखिए, आ से लेके आ तक। या आप इसको बच्चे को इस तरीके से भी सिखा सकते हो, जो स्वर होते हैं आ से लेके आ तक उसके आगे लगाते हैं हम एन, और जो व्यंजन होते हैं उसके आगे लगाते हैं हम ए, ठीक है। जैसे अब मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ, अ हॉर्स ह, ये क्या आ रहा है एच क्या ह, फोनिक साउंड पे आप फोकस करिए। और हा हमारा किस में आता है, व्यंजन में आता है, व्यंजन में आता है तो उसको हम लगाएंगे ए, ठीक है। अ, ठीक है, अ तो वो किस में आता है हमारा, स्वर में, वोवेल साउंड, उसमें क्या लगाएंगे एन, ठीक है। एन आवर, इसको हावर तो पढ़ते नहीं है, इसको आवर पढ़ते हैं, तो आवर में आ किस में साउंड आता है, स्वर में, वोवेल साउंड, तो हम लगाएंगे एन। बैग, ब, ब किस में आएगा हमारा, व्यंजन में, कॉन्सोनेंट साउंड में, तो इसलिए हम लगाएंगे ए। यू, य, और या का कभी कभी ये देखिए, इस ये एक्सेप्शन होता है, कभी कभी ए भी लगेगा कभी कभी एन भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे यू य हम पढ़ रहे हैं, जबकि आप कहोगे यू का फोनिक साउंड अ होता है, लेकिन यू का फोनिक साउंड आ और या दोनों ही होता है, तो यूटेंसिल यहाँ ने पढ़ा तो य क्या आएगा यहाँ पे, ये व्यंजन में, इसलिए लगाएंगे ए, ठीक है। व, वन रुपी, जबकि देखिए अगर हम अपने कंसेप्ट में चलेंगे ए आई ओ यू में तो हमें यहाँ एन लगाना चाहिए, और मेरे बेटे ने लगाया भी था, लेकिन देखिए वन, व, व किस में आएगा, व्यंजन में आएगा, व्यंजन में क्या लगाएंगे ए। सीधे आप बस इसी में फोकस करिए, बच्चा कभी गलत नहीं करेगा, आप भी गलत नहीं करोगे, मैंने भी कभी मिस्टेक कर दी थी, तो मिस्टेक करके ही सीख पाते हैं। एम एल ए, ठीक है, एम एल ए, तो ए ए आ रहा है ना, यम तो नहीं बोलते ना, एम तो नहीं बोलते ना, म नहीं आ रहा ना, एम एल ए, तो ए, ये क्या होगा, स्वर, वॉवल साउंड। ऑनेस्ट, अ स्वर, ठीक है। इंजन, ई, अ आ ई ई, इसमें वॉवल साउंड। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर फोकस करिए, कभी गलत नहीं होगा, बच्चे को भी आप अच्छे से कंसेप्ट सिखा पाओगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर।